हाय एवरीवन, दिस इज कविता राजभर एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स हाईवे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। इवन दे स्टडीड फ्रॉम द सेम सोर्सेज, फिर भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी विच रियली वर्क। सबसे पहली चीज़, आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या आपका एम है, क्या आपका गोल है, उसे फिक्स रखिए, उसे चेंज ना करें। जो भी आपके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं, उसे हमेशा फिक्स रखें। तो टिप्स की बात करते हैं। फर्स्ट टिप्स, मेक योर ओन नोट्स। जब भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें, कोशिश करें कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बुक्स की बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो आप दूसरे ऑथर की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, अपने नोट्स खुद बना सकते हैं जो आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो अपने नोट्स खुद बनाएं। सेकंड टिप्स, टेक अ ब्रेक। जब भी आप स्टडी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप होल डे स्टडी ही करते रहो या कंटिन्यू रीडिंग करते रहो। जब भी आप स्टडी करें, यू नीड टू टेक अ ब्रेक एवरी 30 मिनट्स ऑफ योर स्टडी। जब भी आप स्टडी करते हैं, एवरी 30 मिनट्स के बाद आपको ब्रेक लेना है। अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं तो जो कुछ भी आपने स्टडी किया है वो आपके दिमाग में ओवरलोड हो जाएगा। तो ओवरलोड ना हो, इसलिए आप ध्यान रखें कि एवरी 30 मिनट्स में ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आप उस चीज़ को रिवाइज भी करें। थर्ड टिप्स, यूज नेमोनिक ट्रिक और फ्लो चार्ट्स एक्सेट्रा। कभी कभी हमें डिफ़िकल्टीज़ फेस होती है कोई फॉर्मूला को याद करने के लिए, डेट्स को या नंबर्स को याद करने के लिए, तो आप उसे कोड दे सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, जिसे आप इजीली याद कर सकते हो। आप फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। जब भी आप बुक में कोई भी चीज़ रीड करते हो, उसमें जो भी मेन पॉइंट्स होता है उसे कोशिश करें हाईलाइट्स करने की, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप उसे ईजिली रिवाइज कर सको। फोर्थ टिप्स, टीच अदर और स्टडी इन अ ग्रुप। आप जो भी स्टडी करते हैं उसे दूसरों को टीच करने की कोशिश करें। अगर आप किसी को टीच करते हैं तो चीज़ें बार बार रिवाइज होती है और जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहती है। ग्रुप में स्टडी करने का ये फ़ायदा है कि जब भी हम ग्रुप में स्टडी करते हैं तो हम अपनी नॉलेज, आइडिया और इन्फॉर्मेशन दूसरों को शेयर करते हैं, और दूसरों की आइडिया, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज को हम लर्न करते हैं। तो ग्रुप में स्टडी करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिफ्थ टिप्स, लर्न फ्रॉम प्रीवियस मिस्टेक एंड ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क। आपने प्रीवियस एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसी क्या मिस्टेक्स किए थे जिसकी वजह से आपने अच्छा स्कोर नहीं किया, उसे फाइंड आउट करें और उसे रिपीट ना करें। ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क, हमेशा स्मार्ट वर्क करें। एग्जाम्पल लेते हैं स्मार्ट वर्क के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम में आपको पैसेज पूछा जाता है, तो आप उसमें हार्ड वर्क क्या करते हैं और स्मार्ट वर्क क्या है। हार्ड वर्क है, आप जब पैसेज पढ़ते हैं तो उसे पूरा रीड करते हैं 2 से 3 बार, फिर जब उस क्वेश्चन पे जाते हैं आंसर ढूंढने के लिए आप वापस पैसेज को रीड करते हैं। तो ये हो गया हार्ड वर्क। अब स्मार्ट वर्क क्या है इसमें? जब भी आपको एग्ज़ाम में कोई पैसेज पूछा जाए, डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसे रिमाइंड कर ले, उसे याद कर ले कि हाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है, उसके बाद पैसेज पे आए, तो यू कैन गेट द आंसर ईजिली। सो दीज आर दी बेस्ट 5 टिप्स विच रियली वर्क्स। अगर आप इसे सिंसियरली फॉलो करते हैं तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।